जी वेलकम बैक जी। तो क्लास से आपको आवाज और स्क्रीन देखें तो प्रॉपर शेयर हो रही है? ठीक है, लिंक एंड हो गया तो फिर नया लिंक आपको सेंड किया है, बताएं प्लीज। जी सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, हम प्रीवियस वाले पे जाते हैं। यहाँ पे हम थे, अच्छा ये हमने एक और सेशन दिया यहाँ पे। इस सेशन को जब सर्च करवाया तो क्या आ गया है? सेल दिस प्रोडक्ट। इस सेशन पे आया सेल दिस प्रोडक्ट, और प्रीवियस वाले पे आ रहा था अप्लाई टू सेल। जहाँ अप्लाई टू सेल आएगा वहाँ पे वो प्रोडक्ट गेटेड शो हो रही है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए इनवाइस देनी पड़ेगी, या उसके लिए आपको जो है ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या उसके अपने होलसेलर से जो है ना उसका अप्रूवल लेटर देना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम वाजे हो, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वाजे हो, और आपकी अगर इनवाइस है तो इनवाइस 180 डेज से ज़्यादा पुरानी प्रीवियस ना हो। अच्छा, लेकिन जो ये एसन है इसके ऊपर ये अनगेट शो कर रहा है एसएलआर सेंडर। इसको क्या कह रहा है कि सेल दिस प्रोडक्ट, इस पर अप्लाई टू सेल नहीं आ रहा। तो हमने सेल दिस प्रोडक्ट को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या आ गया, ये वाले डायमेंशन हैं जो कि न्यू प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन आपसे मांगता है। एक तो सेलर एसकेयू आपसे लेगा। सेलर एसकेयू क्या होता है कि इस प्रोडक्ट का कोई भी एसकेयू आप अपने से, स्टॉक कीपिंग यूनिट, एसकेयू मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट, या कोई भी एसकेयू खुद। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या मतलब कैसे किसको है मतलब ये एब्रीवेशन तो है एसकेयू फॉर स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट मींस के हम कितनी इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं मतलब 10 पीस है तो 10 पीसों के ऊपर एक जो है वो खास नंबर लगेगा ठीक है। और अगर 100 है तो 100 पे तो इससे पता होता है कि हमारी कितनी इन्वेंट्री जो है वहां पे पड़ी हुई है। जी ये बारकोड होता है जो ये शो करता है कि ऐसे अमेजोन को भी पता चलेगा कि हमारी कितनी इन्वेंट्री वहां पड़ी है और हमें भी पता चल जाएगा ठीक है। इसे बोलते हैं स्टॉक कीपिंग मैम वो एफएनएस। जो हाँ ओएस एडन पे साइड पे क्वांटिटी आ रही होती है वो वाली जी हाँ जी बिल्कुल वही क्वांटिटी जो है ना मतलब आप पेन सेल कर रहे हैं और आपने 100 पेन के पीस लेके अमेजोन के वेयर हाउस भेजे तो अमेजोन ये FNSKU या SKU जो होता है ये फिर लगाना होता है उसके ऊपर। ये सर बताएंगे आपको कि ये कौन लगाता है लेकिन इसका मतलब ये है कि जी सर अच्छा रिपीट कर दें ठीक है। हाँ ठीक सर ये रिपीट करें जरा FNSKU। अच्छा ये देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू आप खुद से बना के खुद देंगे अपनी प्रोडक्ट का, अपने एसन का कोई भी आप दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की खुद से आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अंडरस्टैंड, सेलर एसकेयू आप खुद से रख सकते हैं, आप खुद से देंगे। एक होता है FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये जब हम अपनी इन्वेंट्री को बाय कर लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, उसको मीटू लिस्ट कर देते हैं, उसका शिपमेंट प्लान बनाते हैं, तो ये आपको SKU जो होता है ना, FNSKU, ये जब हम अपनी प्रोडक्ट बताते हैं ना, जब आप सेल सेंटर के ऊपर बनाते हैं अपना सर जब शिपमेंट सप्लायर से प्लान, लेते हैं तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट बताते हैं कि हमने 200 पीस इसके इस इन्वेंटरी के परचेज किए हैं, या 400 पीस परचेज किए हैं। जितने पीस आप वहां पे लिखेंगे उतने FNSKU अमेजोन खुद से आपको जनरेट करके देगा। सेलर सेंटर पे ही ये आपका शिपमेंट प्लान बनता होता है, और अमेजोन सेलर सेंटर से ही आपको खुद से FNSKU जनरेट करके देगा। जितने बॉक्सेस आप इसे बताएंगे कि मेरे इतने बॉक्सेस में ये 400 पीस हैं या 200 पीस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 200 पीस आपने ऑर्डर किए हैं और वो है 10 बॉक्स में, हर बॉक्स में 20 20 पीस है, तो वो 200 FNSKU, और 10 जो कि आपके कर्टन है जिनमें वो 200 पीस है, तो 10 आपको उसके लेबल
प्रिंट कर लेबल जनरेट कर देगा, सॉफ्ट कॉपी 200 FNS के जो की, और जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, ये अमेजोन खुद से आपको जनरेट करके देगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी देगा, ठीक है, जब आप अपना शिपमेंट प्लान आते हैं। और और जितने जब जितने सॉरी जितने कटन जितने होंगे कटन उतने लेबल आपको दे देगा, ठीक है। तो ये यही सॉफ्ट कॉपी जो होती है, यही फिर आपने जहां पे आपकी इन्वेंट्री ने जाना है, अगर आपकी इन्वेंट्री प्रेप हाउस जाएगी तो आप ये सॉफ्ट कॉपी अपने प्रेप सेंटर को भेजेंगे, तो वो आपके जो है वो इंस्टॉल कर देंगे ये FNS के यू और लेबल्स। लेबल्स आपके कार्टन के ऊपर लगेंगे और FNS के यू आपके ईच प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, और यही फिर आपकी इन्वेंट्री को शो करेगा कि आपकी इन्वेंट्री सेल कितनी हो गई, आपकी इन्वेंट्री बकाया कितनी है। और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो FBA के थ्रू आपके इसी बारकोड से आपकी इन्वेंट्री जो है वो आइडेंटिफाई हो गए तो आपके शिपमेंट के लिए जाएगी। ओके, अच्छा, जब आपको मैं आपको थोड़ा बताऊं, जब क्लाइंट आपसे पूछता है कि इसमें प्रेप की जरूरत है, ये चीजें अमेज़न का वेयर हाउस भी कर देता है और ये चीजें प्रेप सेंटर से भी हम करवाते हैं, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि ये चीजें जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर खुद से भी कर देते हैं। तो ये अब जैसे माशाल्लाह ये आयशा ने काम किया एक्टिव होके, इसने क्या किया कि इसने वो डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर ले लिया, उनसे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया। ऐसे ही आप एक्टिव होकर अगर काम करेंगे ना शार्प माइंड के साथ, तो आपको ऐसे बता देती हैं। मेरे ऐसा एक पढ़ते थे, मेरे फेलो ही थे, तो वो सोर्सिंग करते ही इस तरीके से थे। वो कहते मैं सोर्सिंग करता ही ऐसे हूँ कि डायरेक्ट मैं उनका व्हाट्सएप लेता हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ और वहीं पे मैं डिटेल पूछ लेता हूँ, बार्गेनिंग करके रेट भी कम करवा लेता हूँ और उनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि आप FNSKU या जी FNSKU ले और बाकी जो है लेबल वगैरह ये लगा देती हैं। तो ऐसे ही एक शार्प वे होता है वर्क करना, तो इस तरीके से भी हम उनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम जो है अपने क्लाइंट को प्रेप का भी रेफर कर सकते हैं कि आप प्रेप में लगवा लें, हमने अपनी कॉस्ट डाली हुई होती है, ये तो फिर अमेजोन का वेयर हाउस भी ये सर्विस दे देता है, ठीक है। क्लाइंट्स को नहीं पता होता, क्लाइंट्स हमसे ही पूछते हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा होगा, 2 से 3 बच्चे जिनके साथ क्लाइंट्स अटैच हैं, अभी तक उन्होंने पूछा है काफी बार कि आप बताएं इसमें प्रेप की जरूरत पड़ेगी तो ये कहाँ पे होंगे ना लगेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है ये चीजें लगवाने के लिए हम प्रेप भेजते हैं। के अच्छा, ये आपने दे दिया, यहाँ पे सेलर SKU आ गया, ठीक है, ये आपने खुद से रख के दे दिया SKU। FNSKU अमेजोन देगा, सेलर सेंटर SKU आप खुद से दे सकते हैं। अच्छा, देन उसने क्या पूछा, स्टैंडर्ड प्राइस, क्या आप इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखेंगे। आपने देखा होगा हुआ सेटल में कि हर सेलर की अपनी अलग प्राइस होती है, तो आप भी एज ए सेलर जा रहे हैं तो आपसे भी वो पूछ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की, इस एसन की क्या प्राइस रखेंगे। तो यहाँ पे आपने प्राइस मेंशन करनी होती है डिजिट में, ठीक है, $50, $40 या $30, जितने भी उसकी प्राइस आपने रखनी है। और प्राइस जो होती है वो मिनिमम जिस सेलर ने रखी हुई हो, जिसकी सबसे कम प्राइस हो, उससे 2 सेंट डाउन रखनी चाहिए, तो बाय बॉक्स आपके पास ज्यादा आएगा, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है बाय बॉक्स को विन करने की, कि जो मिनिमम प्राइस वाला सेलर है उससे प्राइस 2 सेट डाउन रखी जाए। अच्छा, देन आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी आप देना चाहें तो दे दें, जितनी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर की हुई है, अगर नहीं देना चाहते तो बेशक ना दें, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। कंडीशन, देन आ जाएगी कंडीशन, कि उस प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, वो यूज है या न्यू है। तो आपको पता है कि होलसेल FBA में हम न्यू के साथ ही जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी कंडीशन उसको बताएंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो ये न्यू है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये यूज्ड और न्यू दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, अब ये SKU दे दिया, ये प्राइस आ गई, यहाँ पे आपका न्यू आ गया। आप फुलफिलमेंट, यहाँ पे आ जाएगा फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट उसने पूछनी है कि आप FBM करना चाह रहे हैं या आप FBA करेंगे, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि मैं FBA करूंगा, तो आपने FBA वाले के ऊपर चेक करना है, चेक लगाना है, अमेजोन वाले पे ऊपर आपने ये चेक लगाना है कि अमेजोन से मैं ये सर्विस लूंगा, अमेजोन ही मेरी फुलफिलमेंट करेगा।
अगर आप खुद फुलफिलमेंट करेंगे, एफपीएम करना चाह रहे हैं, तो आप ऊपर वाले के ऊपर चेक लगाएंगे। इसको आप स्किप कर देंगे, इसको इसके साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है मदद के साथ। देन आप इस प्रोडक्ट को हम ओके करेंगे, तो ये आ गया सेव एंड कंटिन्यू। ये प्रोडक्ट हमारी सेव हो के, तो फिर सेव हो जाएगी। जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ सेव होती है, ये आपके पास इख्तियार होता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेव कर लें या आप इस प्रोडक्ट को लाइव करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने इस लिस्टिंग को लाइव कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाएगी। तो अगर आप इसको सेव कर देंगे, तो ये आपकी लिस्टिंग जो हुई हुई है, ये सेव हो जाएगी, और जब आप चाहें तब आप इसको लाइव कर सकते हैं। ठीक मतलब है, सेलर इस तरह से सेंटर आपकी से आपकी लिस्टिंग जो है ना, लिस्टिंग फिर जो ना शो होएगी। ये देखिए, ये कोई हमने भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगा है। दिया। सेलर सेंटर जो है ना, आप किसी भी क्लाइंट का जब एक बार आपके हाथों में से गुजर जाएगा तो बहुत इजी टू यूज है ये। अभी सिर्फ एक है कि कभी यूज नहीं आपने किया, किसी का भी आप हैंडल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बल्कि अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ ए टू जेड अकाउंट हैंडलिंग जो है ये आप लोग ले क्लाइंट्स के साथ ना एज एक्सपीरियंस ही ले ले, ठीक है। अच्छे सीख के कोर्स के बाद 5 5 6 6 महीने फ्री में इंटर्नशिप करते हैं सिर्फ सैलरी सेंटर पे अपना हैंड्स ऑन करने के लिए, तो ये बहुत इजी टू यूज होता है। इसको मिलते हैं ए टू जेड अकाउंट हैंडलिंग, तो बाकी कोई मसला नहीं है, बहुत इजी काम है ये। और आज की असाइनमेंट भी मैम कोई नहीं ये होगी आपकी, क्लाइंट ठीक है। मिलेगा तो फिर ही ये मतलब हो सकता है ना। जी, आपको तो क्लाइंट ही सैलरी सेंटर, ये भी तब होगा जब आपने ए टू जेड अकाउंट हैंडलिंग करनी होगी। अगर सिर्फ प्रोडक्ट अदरवाइज नहीं देंगे, होगा। हाँ जी, अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट देनी है सोर्सिंग तक, फिर आपका काम वहीं तक है, ठीक है। अगर आप वो आपको ऑफर करें कि ए टू जी अकाउंट हैंडल मेरा आप ही करें, सब कुछ आप करें, आप तो फिर वो ऐसा करेंगे कि आपको ये अपना सेलर सेंटर की जो है एक्सेस दें, ठीक है। जी, और अगर मैम अभी हमने हैंड्स ऑन तो इस पे किया नहीं है, तो अगर कोई क्लाइंट को हम फ्री में सर्विस दें तो क्या इस तरह कुछ वो दे नो देते नो हैं? नो नो, हम क्यों फ्री में देंगे? हैंड्स ऑन किया तो ही मैम नहीं, वो मसला चेक करने के इसीलिए लिए है। मुझे जब तो जब नहीं नहीं जब कॉम्प्लिकेटेड वो सा थोड़ा आपको लगा है। नहीं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ऐसे ऐसे आपको इसके लग रहे हैं ऐसे स्क्रीनशॉट में से, बहुत इजी है, सिर्फ 2 से 3 स्टेप करने होते हैं। जरा डिटेल में सर ने बताया तो आप ऐसे कह रही है, मतलब बहुत इजी है। हमारे बच्चों ने अभी कोर्स करते करते ही जो है ना अकाउंट हैंडलिंग स्टार्ट कर दी, और बहुत इजी सेलर सेंटर थे। जब मैंने देखा बच्चे उसको ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें करना। बल्कि हंटिंग सोर्सिंग मुश्किल है, इसको तो लिस्ट करना बहुत आसान है। और कभी हो भी तो तो नो इशू, मैं भी और सर भी अवेलेबल है। अगर आपको ए टू जेड अकाउंट हैंडलिंग मिले भी, आप उसे एक्सेप्ट करें, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एक जी बार आपके ठीक, साथ वो एडिंग डेस्क पे आपके सामने कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं है मुश्किल, सबसे इजी चीज ही ये अमेजोन में। जी थैंक यू मैम। और मैम जो मैंने क्लाइंट, मैंने जी, मैंने इंडिया के ड्रेस को, ये ड्रेस लेके ना इंडिया का नेट से निकाल करके करके मैंने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है खुद ही ना, तो अच्छा, वो ओपन भी होता है, उसको ओपन भी मतलब कैटलॉग ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जी, आप ना वहाँ पे प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस सकते कर हैं। आप सकते हैं मीटो आप, मीटिंग लिस्टिंग स्टिंग करें, मीटो करें। लिस्टिंग करके आप लाइव ना करें, आप उसको सेव करें ड्राफ्ट में। ये देखिए ना, जिस तरह से अब हमने ये वाली सेव की थी, सेव एंड कंटिन्यू, इस तरह से आप सेव कर लें उसको और लाइव ना करें अपनी लिस्टिंग को, और जब चाहें आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ इन्वेंट्री पे आ गई, देखें सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री पे आपके क्लिक करेंगे तो मैनेज इन्वेंट्री आ रहा है। मैनेज इन्वेंट्री पे आएंगे तो आप अपनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी इन्वेंट्री आ गई, जो जो प्रोडक्ट आपकी लाइव हुई हुई है वो यहाँ शो होंगी, जो जो नई लाइव हुई हुई सेव है वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से आप एडिट के बटन से जाके उसको एडिट कर सकते हैं। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप करें प्रैक्टिस, नो इशू। थैंक किधर से सर करनी है प्रैक्टिस? जैसे अब वो कह रहे हैं ना कि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, सेलर का डैम, अकाउंट, जी सर, वो किधर से? अच्छा, हाँ, जो उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है ना, सेलर सेंटर अकाउंट बनाया हुआ है शुएब ने। जब ठीक है आपको भी ए टू सर जी अकाउंट फ्रेंडली का कोई क्लाइंट मिल जाएगा ना तो कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं जी है मैम, करने। ये आपको तभी जरूरत पड़ेगी जब कोई क्लाइंट आपको कहे अभी कि मेरे हाँ, अकाउंट को ए टू जी हैंडल वही करें। ये वही क्लाइंट कहते हैं ए क्लाइंट टू जी हैंडल करने के लिए जिनको बिल्कुल भी अमेजोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो उसमें फिर सारा काम आपने ही करके देना होता है, उसमें
और आप उसके साथ अपनी पर मंथ सैलरी जो है वो फिक्स कर लेते हैं कि हम 2 से 3 प्रोडक्ट को जो है ना वो पर मंथ लाइव किया करेंगे और आपके अकाउंट को हम हैंडल करेंगे। उसमें फिर मीटू लिस्टिंग आपने खुद करके देनी होती है, तो इस तरह से क्लाइंट को तो नहीं कुछ पता होता, तो आप ही ने उसका फिर अकाउंट जो है वो हैंडल करना होता है। सिर्फ आपने आप उसकी इन्वेंट्री का जो ऑर्डर है वो उससे प्लेस करवाना है, बाकी हंटिंग सोर्सिंग और उसकी मीटू लिस्टिंग ये सारा आपने फिर खुद से इंडिविजुअली उसको काम करके देना होता है। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिले तो हम हैं, हमारे साथ आप मशवरा करें, मैडम भी हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको चलाएंगे और आपको बताएंगे कैसे चलाना है। और ये जो आप लोगों सेलर ने सेंटर अकाउंट है ना, ये बायर अकाउंट से ज्यादा इजी है। बायर अकाउंट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये उससे भी इजी टू यूज है। तो आप लोगों ने ये नहीं आप सोचना कि क्लास जो है हमारा बैच एंड हो जाएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। आप हर टाइम, मैं भी अवेलेबल हूँ, सर भी अवेलेबल होंगे। अभी आप लोगों की लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हाँ जी, अभी आप लोगों का ये बैच चलता जाएगा, ठीक है। हम वीक में चाहे एक क्लास ले लें, जब तक आप लोगों की अर्निंग नहीं स्टार्ट होती किसी भी बच्चे की, हम इस बैच को भी लेके चलेंगे, इसको एंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे आपकी क्यूरीज हो रही है, कोई भी हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस किया करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, आधे बच्चे तो सोर्सिंग में ही भाग गए हुए हैं, और जो अभी तक स्टिल है, इंशाल्लाह यही बच्चे आगे जाएंगे। ये कभी ना सोचें कि ये नहीं आगे जाएंगे, ठीक है। काम कर रहे नहीं कर रहे, मैम, लेकिन ये अगर सारे हमें वो ही कोई बच्चे हैं, 9 या 10 बच्चे ये वो ही हैं जो मुसलसल क्लासेस ले रहे हैं, कि कोई असाइनमेंट मिस नहीं है। जी जी पूछे आप। मैम वो A to Z हैंडलिंग वगैरह अगर कोई क्लाइंट फर्ज करें मिलता है, अभी हमें आती नहीं है, तो हम क्या उनको चार्ज मतलब कि करें, मतलब कितने को अच्छा, हम। आती क्यों नहीं है आपको? आती है, ये तो आपने कोई बात करनी नहीं है ना कि आपको आती नहीं है, ठीक है। हर चीज आपको आती है, आपने अपने हाथ से की हुई है। ये सेकंड वन नहीं ये हुई कि मैम, बस ये ये लास्ट वाला नहीं, ये ये होती जो है, आज हुआ मसला ही कोई मैम। नहीं है मैंने करने ना, मुझे भी ये कह का। रहे थे कि अच्छा, मुझे जो इनका एक दो पता मसला क्लाइंट क्या मिले है? ना इसकी तो इसकी असाइनमेंट नहीं ना मिली आपको, तो देख ले, यही चीज आपको लग रहा है कि आपको आती नहीं है। ये मैम मसला हो रहा है मैंने आप ना लोग ये चल पड़े बोला है हैं। उन्हें क्लाइंट्स को कि हमारी पूरी टीम है और हम मिलके काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। मैम ऐसे वो थोड़ा उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्ट अप हो जाता है। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं। है वो टीम ही बताओ ना। बिल्कुल, आप टीम की तरह ही है। कौन सा एक है, पूरा और आपका मैम ग्रुप वाकई में है। हम हैं अभी। जी मैम, हाँ बिल्कुल जी, और बल्कि हमारे बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स क्या। ऐसे हैं कि जब जूम पे उन्होंने मीटिंग्स करवानी होती है ना, तो वो बकायदा मुझे और सर को साथ लेके क्लाइंट्स के साथ जूम मीटिंग करते हैं, तो हम अवेलेबल होते हैं सबके लिए। हमने कभी भी किसी को रिफ्यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो हाँ, जी लेकिन पहले बताना होगा टाइम, अगर ऐसा कोई हो तो सीन। सेकंड वन ये कि ये तो बस कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमने नहीं बताना कि हमें नहीं आता ये। मैंने कहा आपके हाथ में आएगा, जैसे आपको व्हाट्सएप अकाउंट बनाना खुद आ जाता है ना, ऐसे ही जी हलवा या पूरे अमेजोन में, इसको आप हलवा ही समझे, जैसे आप हलवा बना रही हैं, ठीक है ना। सबसे मैम ये मेरे ख्याल पूछना से चाह वो रही थी, ये हम पूछ कितना रही है कि चार्ज करें चार्जेस अगर हम। कितने करना। जी जी मैम मैम बताती जी हूँ। अच्छा, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जो आपको सैलरी बेस पे रख लेते हैं। सैलरी बेस हो जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके जी बाद ज्यादातर क्लाइंट, जो मोस्टली 90% क्लाइंट आपको परसेंटेज बेस पे रखते हैं। परसेंटेज बेस मीन कि अगर आप प्रोडक्ट लाइव कर रहे हैं उसमें इतने परसेंट क्लाइंट का, इतने परसेंट आपका, तो मोस्टली जो चलता है ना अच्छा वाला परसेंटेज चलती है, वो 60-40 होती है, ठीक है। कोई नई है उन्हें नहीं पता, वो 50-50 में भी आप उनके साथ कर सकती है। मींस कि प्रोडक्ट लाइव कर देंगी, वो प्रोडक्ट महीने में जितना भी उसका रेवेन्यू आएगा उसमें से 60% आपके क्लाइंट का होगा, 40% आपका होगा। सपोज के अगर उस प्रोडक्ट की $200 सेल हुई है महीने में, उस $200 में से जो है वो वन वन ट्वेंटी, अगर आप 60-40 पे काम कर रही है ना परसेंटेज पे, तो 120 उनका बनेगा, और 80 जो है वो। मैम आवाज कट गई है। ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइव करती है तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो 60-40 की परसेंटेज ही ज्यादा चलती है, और इसके ऊपर ही ज्यादा काम होता है, ठीक है। आपने इससे कम पे नहीं परसेंटेज पे काम करना, 10-20-30% पे कंफ्यूज नहीं। हो गई है, जरा पूछ लूँ। जी 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 पूछे बेटा, जो आप मतलब कह रही है इसका 200 सेल हुई है, तो मतलब किसी वो का उनका कैमरा कमीशन है या होगा, मतलब टोटल सेल $200 है? ऑफ करें। एक शेब मिनट, आपका कैमरा ऑन कैमरा है। ऑन हो गया है। बिल्कुल अच्छा शेब, क्या पूछ रहे हैं बेटा आप, दोबारा पूछें। शेब मुझे तल शेब दोबारा पूछे, आपने क्या क्वेश्चन किया था बेटा। मैम, शेब का मैम कैमरा आवाज ऑन आ हो रही है? गया।
जी हाँ अमन जी मैम, आ रही है, पूछें आप बताएं। आपका मैं कैमरा भी पूछ रहा ऑन था है क्योंकि शुएब। वो, चलें एक कोई बात मिनट, नहीं, रहने दें, हम भी देख लेते हैं शुएब चलें। को। ये जो 200 सेल है, तो हाँ मतलब जी ये इसकी टोटल सेल है या मतलब उसका कमीशन है जिसमें से मतलब हमें हाँ 48% हाँ रखना है? हाँ मैं बच्चे बता रही हूँ कि मैंने लेट सपोज का आपको के सपोज कर लेते हैं हम कि उसकी जो सेल हुई है ना, प्रोडक्ट आपने जो लाइव की है, उस प्रोडक्ट का महीने में जो रेवेन्यू आया है, मतलब सेल करके जो अमाउंट आई है वो $200 अगर आ गई है, तो उसमें से अगर आप 40% पे कर रहे हैं तो 200 में से 40 के हिसाब से $80 आपके बनते हैं, $120 उसके बनते हैं। अगर हो सकता है वो $500 उसका आए, उसकी ज्यादा सेल हो, बाय बॉक्स बहुत अच्छा हो, सेल हाई हो, उसकी सेल इतनी अच्छी हो जाए कि वो $1,000 उस प्रोडक्ट में से आ जाए, तो देखिए कितने बन जाएंगे फिर 40% के हिसाब से ना। सपोज कर रही हूँ महीने में जितनी भी उस सेल होगी, ये महीने बाद फिर हिसाब होता होता है ना क्लाइंट के साथ, फिर तो जितनी भी सेल होगी उसमें 40% आपका हो जाएगा, 60% उसका हो जाएगा। तो मैम इस चीज का कैसे पता चलेगा हमें कि ये इतने बच्चे परसेंट जो है वो इसकी सेल ये हुई? सेलर सेलर सेंटर में हमारे ठीक पास है, होता है, यहाँ पे हर पीस जो ठीक सेल ठीक ठीक होता है ना उसकी अमाउंट आ जाती है। तभी मैंने स्टार्ट में बताया कि पूरी एक्सेस लेनी है, चाइल्ड एक्सेस से, यानी हर ठीक चीज हमें शो हो रही होगी कितने पीस सेल हुए हैं, कितनी इनकी इनकम आई है और महीने में कितना ठीक रेवेन्यू आ गया है सेलर से, उसी में रहते हैं पैसे, नहीं नहीं वहां होंगे। सही ठीक है, तो जी जी हमने मैम। एग्रीमेंट करना होता है पहले अपने क्लाइंट के साथ, एक रिटर्न ना हमने उसे बताना होता है, हमने कहना है कि हमने मैम महीने में सिर्फ मुझे एक दो, क्लाइंट मिला था, उन्होंने ये कहा कि ना, मैंने उन्हें कहा कि 300 जो है ना वो सैलरी हाँ बेस पे थ्री करेंगे, हंड्रेड डॉलर सैलरी बेस। हाँ जी तो मैम उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप गारंटीड हमें प्रॉफिट बताएं और हमारे साथ जो है ना वो करें अच्छा, अब और फुल हाँ असेस अब करनी मैं होगी। आपको इस चीज का भी समझाती हूँ। गारंटेड प्रॉफिट मींस वो क्या पूछ रहे हैं, वो श्योरिटी मांग रहे हैं कि अच्छी प्रोडक्ट्स ही आप लाइव करेंगी, आपको इस चीज की श्योरिटी है कि वो प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट है। तो बच्चे ये चीज गारंटी हमने श्योरिटी देनी होती है कि सर अच्छी प्रोडक्ट्स लाइव करूंगी। वीएस को काम नहीं करना आता बच्चे, वीएस जो है थकी हुई गंद फजूल प्रोडक्ट्स लाइव कर देते हैं जिनका बाय बॉक्स ही अच्छा नहीं होता। बहुत ठीक वीए है, मैं कह रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रही, वहां के पढ़े हुए जितने भी वीए हैं सारे जीरो हैं, लेवल का इंस्टीट्यूट है वो पाकिस्तान में इस टाइम, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं। वो आपसे ये शॉर्टी मांग रहे हैं ना कि आप बताएं आप अच्छी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स ही, तो आप बताएं जो निकाली हुई प्रोडक्ट है जी, एक एक प्रोडक्ट में जो 1 यूनिट है उसमें $12 का प्रॉफिट है, जो आपने आज कोई निकाल लिया आपने शायद, हाँ जी जी आप जी किया नहीं, आपने आपने ही तो बताएं सर एक प्रोडक्ट का इतना है, बाय बॉक्स इतना अच्छा है, अगर महीने में हमारे 10 पीस भी सेल होते तो हमारे इतना आता है, अगर 20 सेल होते तो हम इतना प्रॉफिट आता है, ये बताना होता है। और एक और बात अच्छी तरह से सुन लें, तबस्सुम आप भी समझ लें शुएब आप भी, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आपका क्लाइंट 1,000 या 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आपसे पूछेगा बताएं मेरा आरओआई क्या होगा, उसका मतलब कि मैं $200 इस काम में लगा रहा हूँ, मुझे इसके रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है, मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। हाँ जी पर मंथ, तो फिर वो आपने उसको बताना है सर हम अच्छी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, प्रॉफिट वाली लगाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा इंशाल्लाह प्रॉफिट। अब उन्हें खुद नहीं इतनी अकल ना, देखिए काम शुरू करने से पहले थोड़ी हम बता सकते हैं। आप सपोज करें आपने अपना कोई काम, कोई शॉप बनानी है या कोई पार्लर खोलना है, खोलने से पहले थोड़ी पता होगा आपको कि मैं, आपको पता है इतना आपका, ये आपको पता चल रहा है कि 5 लाख में मेरा ये पार्लर तैयार हो रहा है, ठीक है, या मेरी एक अकेडमी ये 5 लाख में सारी रेनोवेशन करके हो रही है। अब आपको ये तो नहीं ना पता कि अगला काम कितना अच्छा, आपको स्टूडेंट्स कितने मिलने हैं या आपके वहाँ कस्टमर कितने आने हैं, तो आपको इसकी 5 लाख जो लगा दिया उसके बदले में आपको क्या मिलना है, ये है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आरओआई। पहले थोड़ी ना पता होता कि क्या आ जाएगा हमें, बस ये उनकी अपनी जो नॉलेज की कमी है वो, तब भी ये पहले ही पूछने के बता दें हमें आ क्या जाएगा, तो उन्हें कहेंगे कि बहुत कुछ आ जाएगा सर आप शुरू करें बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक ठीक है। हाँ तो ठीक मुझे है पता है ना क्लाइंट बहुत सर खाते हैं इस तरह, बहुत क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ ऐसे ही, तो इनको सेटिस्फाइड करना, दरअसल बात भी एक ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाना होता है उन्होंने अपनी तसल्ली करनी होती है, ठीक है, और हमारा राइट जी है कि हम मैम उनकी पूरी तसल्ली करवाएं। और इंशाल्लाह जी आपकी मैम नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को इंशाल्लाह, ठीक है, उसमें मैं अपने स्टूडेंट को भी बुलाऊंगी जिसने माशाल्लाह 1.5 लाख अर्निंग की है, और मैं इस्लाम वाले स्टूडेंट्स की मदर जो बहुत विश कर रही है आपसे मिलने की, उन्हें भी इनवाइट करूंगी, और मैं अपनी उस फेलो को भी बुलाऊंगी जो 2 साल से आवाज और मैं काम कर रही है और एक भी रुपया नहीं कमा सकती, हर तरह की कैटेगरी से मैं मिलवाऊंगी ताकि आप लोग थके ना, आप लोगों को उनको देख के मोटिवेशन मिले, ठीक है।
तो बस बाकी हम इंशाल्लाह वीक में क्लास किया करेंगे जब आपको जरूरत हो। मैंने आपको एक क्लास अभी कहा है, लेकिन जब आपको जरूरत हो, आपको लगे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ या कोई मसला हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप ग्रुप में आके बताएं कि आज हमारी क्लास होनी चाहिए, मैं और सर अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम आपकी क्लास रखेंगे। ठीक है। सेकंड बात ये कि आप ऐसे जो भी ग्रो वाइडर के साथ एम्बेसिडर के तौर पर काम करना चाहता है, उसको लगता है कि इस फील्ड में ज्यादा अच्छा चल सकता है, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल है, इंशाल्लाह उसके साथ भी हम चलेंगे, जैसे भी आपको बेटर लगता है। लॉट मैम, जजाकअल्लाह। लेकिन जजाक खैर, हमारा मकसद है आप लोगों की अर्निंग, आप लोग आए हैं सीखने के लिए, खोप लेके हमारे पास आए हैं, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे खाली हाथ जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह देर मैम आए। एक पॉइंट पूछना था, मुझे याद आ गया अभी। जी। मैम वो जो था, इसका पूछा था उन्होंने कि जो सप्लायर हैं वो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या क्या हैं। तो मैम वो सर ने बताया था कि अबाउट अस में जाना है। तो मैम उधर से एक तो B2B भी लिखा होता है ना, बिजनेस टू बिजनेस भी, तो वो ठीक है, वो होलसेल ही होता है, उससे शो हो जाता है, जी और बेटा, इसके अलावा कौन देखो से? B2B है ना, बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये होलसेलर है। जी सर। और सर वहां वो पे कौन सा रिटेल आएगा पॉइंट ना, है अगर जो, जी सर, जी सर, रिटेल होगा तो उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ होगा अबाउट अस में कि वी आर प्रोड्यूसिंग रिटेल सर्विसेज। और सर वो कह रहे थे कि इसका जो मिनी, एक तो मिनिमम ऑर्डर होता और एक था कि उनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी कितनी है, जी जी बिल्कुल सही तो बात सर ये उन्होंने चीज पूछी भी इसके आपसे। ऊपर नहीं अबाउट अस में ही मिलेगी, ये भी चीज नहीं ये चीज़ अबाउट अस में नहीं मिलेगी, ये जब आप अपना जहाँ पे आपने सोर्सिंग करके प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट निकल आई, ऐड टू कार्ट किया, ये वहाँ से जी सर। पता चलती है कि इस प्रोडक्ट की कितनी अवेलेबिलिटी है, इसके कितने पीस पड़े हुए हैं इनके पास सेल करने के लिए। वहाँ से अवेलेबिलिटी पता चलती है और वहीं से ही उसके MOQ का पता चलता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का। ठीक है सर। ये वहां से पता चलता है जहां से आपने अपने प्रोडक्ट को सोर्स करके, प्रोडक्ट सामने आई हुई होती है ना और उसकी जी प्राइस सर। आ रही होती है, ऐड टू कार्ट आ रहा होता है प्रोडक्ट जी। के, उसमें आ रहते हैं कि आपने कितनी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, उसके डिजिट्स आ रहे होते हैं, ये वहां से पता चलती है दोनों चीजें। ठीक है सर। ओके थैंक चलिए ठीक है, ये यू। इसको माइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह बाकी के हाँ क्वेश्चन मैम, जो मुझे है एक हम। बात पूछनी है। जी बेटा। मुझे मिस राबिया ने एक प्रोडक्ट दी थी, वो नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसका सेलर है वो बेल्जियम का है, और मुझे एक दो क्लाइंट्स ने वो प्रोडक्ट मांगी भी है, तो मैंने उन्हें ये पहले तो भेजी थी, ऐसी उसके बाद मैंने ऐसी सेलर ऐसी बेवकूफियां भेजी। करते हैं ना, कभी मैं ऐसा करना ये मिस सर, राबिया ने मुझे कोई मैम प्रोडक्ट दी है, मैंने आगे दे दी है, तो क्लाइंट के पास वो जो है इनके वाला कलर कप का अवेलेबल नहीं है और दूसरे कलर में वो अवेलेबल है, तो नहीं ऐसे कप नहीं काम था जो मेरा, वो था सीरम का था, मेरा वो जो क्या था था ना वो बेटा आज, सीरम था मैं आज मुझे मैम, किसकी वो दी प्रोडक्ट, मैं शायद आपको आफिया दिखाती की हूँ। थी अच्छा, मैम, वो वो शायद रिमशा की प्रोडक्ट क्लाइंट ने इतनी पसंद की हुई है, मैं उनके जी बस मैम, चुप ही वो कर गई हूँ, मैं चुप कर मैम गई हूँ, वो रिमशा की मुझे कह रहा है प्रोडक्ट ही सोर्स जो थी ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, पता नहीं क्या उसका निकला, वो बाद में आउट ऑफ खुल ही नहीं स्टॉक तो रही हो थी। ही जाती है इतनी जल्दी। अच्छा जी मैं दो, मैम मैं ना दो वेबसाइट्स भी आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स है, आप वहां से ना वो रिवर्स एसन की सोर्सिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा आयशा, आपने बेटा क्या क्वेश्चन किया था अभी? मैंने पूछा था कि उसका जो सोर्सिंग में है ना वो सेलर बेल्जियम का अच्छा है। बेलजियम में, ये कह रही है, जी बताइए मैम, सर। आप देखे ना कि होता वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अच्छा एक बेल्जियम। मिनट, पहले राबत आप क्यों गई बेल्जियम में सोर्सिंग करने, पहले राबत मैम आई ना। नहीं बेल्जियम में तो की नहीं मैंने, मैम मैंने तो अच्छा होलसेल USA लिखा बताइए हुआ है, जी लेकिन उसका मैम वो है भी, वो उसकी जो है ना प्राइस है वो भी डॉलर में ही है। बेटा, ये ऐसे हो जाता है कि प्रोडक्ट वो बेल्जियम की होगी, मैन्युफैक्चर बेल्जियम में हो रही जी होगी, मैम, जी सर, कंपनी जी, ऐसे ही है, वो उसकी बेल्जियम जो की होगी, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूटर जो है निकाली है ना, ना इन्होंने। जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो USA में बैठा हुआ होगा, ऐसे हो जाता होता है। जी सर, ऐसे है, ऐसे ही आपने है। उस प्रोडक्ट उस सप्लायर के क्या करना है, उस सप्लायर के कॉन्टैक्ट अस में जाके उसका कॉन्टैक्ट अस जब निकल आएगा ना, उस कॉन्टैक्ट को आप गूगल पे ले जाए, गूगल गूगल मैप पे? गूगल मैप पे, वहां पे ले जाके जी उसका सर। उसका वो पेस्ट करें उसका एड्रेस, और वहां पे उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लें कि ये बेल्जियम में बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर या कि ये USA में बैठा हुआ है। अगर तो वो USA में शो हो तो फिर आप सर समझ उसके गए दो कि ये तीन पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर। दो तीन जगह पे उसके जो है ना वो सेंटर्स थे। जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो वो सर, जो ऐसे भी ही है, इस था तरह से कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको सोर्स कर सर, सकते मैंने हैं। जो आपको सेंड की है वो आपने, आपको भी मैंने सेंड किया, तो उसकी सारी डिटेल सेंड की थी। चले मैं चेक करता हूँ, मैंने अभी तक चेक नहीं वैसे कर सका, मैं मसरूफियत की वजह से, मैं उसको चेक कर लेता हूँ।
और सर ओके वो ओके ना ये आयशा आपने वो जो मुझे बाद में सारी चीजें सेंड की थी वो भी जरा डिस्कस करना, वो जो आज ही सर ने ये सारा कुछ बताया है ना यही था मेरे ख्याल से, वो इसी वजह से गेटेड आ रही थी हाँ जी, उन्होंने ना ब्रांड अप्रूवल कहा था कि वो सीरम ऑर्डन जी। सॉरी इस रबिया ब्रांड की रबिया कोई भी रबिया प्रोडक्ट मेरी मेरी बात बात सुने, सुने मेरी मेरी बात बात सुने सुने मेरी बात सुने जी मैम ये जो आपने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे ना कि आयशा रिसेंट किए हैं, वो यही था। वो उन्होंने बिल्कुल जी मैम बिल्कुल अथेंटिक अथेंटिक सेंड किए हैं स्क्रीनशॉट। उन्होंने आपको सेलर सेंटर से बता दिया कि हमने ऐसे लगा के देखा है और आपकी जो है वो अब जी गेटेड आ रही है, ठीक है। उससे पता चल गया कि गेटेड है, ठीक है, वो नहीं लेंगे गेटेड, गेटेड में 100 प्रॉब्लम हो जाते हैं। और हो सकता है किसी और ये, अच्छा ये फिक्स बात नहीं रखनी आयशा कि ये गेटेड है तो हमने देनी नहीं है, हो सकता देनी है नहीं किसी है और जी के मैम, सेलर मैं यही सेंटर कह रही पे, थी। किसी और के सेलर सेंटर पे ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है। एक के गेटेड है तो दूसरे के लग जाएगा, कोई क्राइटेरिया ही अमेजोन का नहीं है। पहले जी गेटेड मैम सिर्फ ये इस होती थी चिड़िया चाकू ये वो, अब हर चीज ही अमेजोन जो है वो गेटेड करता जा रहा है, काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है ना। आप किसी और को दिखाएं किसी और के लग सकती है, इसीलिए आपको कहा हुआ है कि पहले पूछा करें सर आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, अकाउंट की एज क्या है। मैम जी अकाउंट ये की इसकी एज क्या हेल्थ करें, अच्छा हेल्थ रब्बे में कितनी एक होनी और बात चाहिए बता दूं, जी मैम? हेल्थ 3 से 4 5 माह पुरानी होगा ना अगर अकाउंट, तो उसके ऊपर एसएन लग जाते हैं। जो बिल्कुल नए हर से एक्शन सर्वाइव लग कर रहे होते जाते, हैं वहां मुश्किल होते हैं जी, और जो ठीक है साल ठीक पुराना है है वहां तो हर एसएन लग जाएगा ना, छुरियां चाकू हर चीज लग जाएंगे वहां तो। अच्छा सेकंड वन ये ना लिंक खत्म होने वाला, मैंने तभी कुछ फास्ट रिपीट पकड़ लिया। सेकंड वन ये कि एसएन इसलिए क्लाइंट मांगती है, उन्होंने सेलर सेंटर पे लगा के देखना होता है, जो आज हमें आपको समझाया है। वो अप्रूव करेगा तो वो प्रोडक्ट को साथ नेक्स्ट फर्दर चलेंगे, अगर वहीं से वो गेटेड होगी तो वो आगे नहीं चलेंगे, इसलिए बेधड़क होके अपना एसएन उनके साथ शेयर कर दिया करें, जी मैम, कुछ मसला मैंने नहीं होता। मैंने जो मेरे पास जो क्लाइंट था ना उसको मैंने किया हुआ है मैम सेंड। वो अभी कह रहे थे मेरे पास जी टाइम नहीं है तो मैं अभी आपको करूँ, कल से मुझे वो अच्छा, टाइम ही नहीं लग रहा शुएब अमानत है। और शुएब अहमद, आप लोग भी थोड़े बच्चे एक्टिव हो जाएं, आपने माशाल्लाह सारा कुछ सीखा है, आप भी कुछ काम करें, और जरूरी नहीं है कि ये लड़की बेचारी लगी रहे, इन्हीं के दिमाग हल्के हो, थोड़ा सा आप भी अपने दिमागों को हिलाए चलाएं, ठीक है। जी मैम, मेरा अब आपका क्वेश्चन था कंपटीशन कि है, बॉयज की पहले ही होती है जी अर्निंग या गर्ल्स की होती है इस ग्रुप में से, इंशाल्लाह देख रहे हैं। अब जी क्वेश्चन करें, मैम, लिंक खत्म होने वाला है, जल्दी से कर ले बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मतलब कि ये जो अप्रूवल लेना है ब्रांड से डायरेक्टली, वो जी वाला रूल कब अप्लाई करना है, जब मुकम्मल एक्सेस ले लेंगे क्लाइंट से तब करना है, या मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। नहीं बेटा, अगर आपने अप्रूवल लेना है तो वो एक्सेस क्यों, एलएलसी लेके ही फर्स्ट स्टेप पे जब आपने काम करना है, अगर वो कहेंगे हमें अप्रूवल लेके दें, आपने कहना सर एलएलसी की डिटेल सेंड कर दें, हो सकता है वो आपसे ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग कराई ही ना, सिर्फ प्रोडक्ट ले, अप्रूवल वाली प्रोडक्ट का रेट आपने ज्यादा रखना है और आपने कहना एलएलसी दे, आपने उनसे एलएलसी दे के आपने अप्रूवल के लिए जो है वो अप्लाई मेल कर देनी है ब्रांड्स को, ठीक है। जी मैम, वो तो पहला शुरू का स्टेप होता है सोर्सिंग का, पहले प्रोडक्ट फाइंड की और ब्रांड्स को मेल कर दी। एक और उसका तरीका है कि जैसे सेलर फ्रंट का हमने आपको हिडन टेक्निक बताई थी, उसमें बताया था कि लेफ्ट साइड पे 10 से 12 जो है वो ब्रांड्स आ रहे होते हैं, आप एलएलसी पकड़े सारे ब्रांड्स को मेल कर दें, ठीक है। जो ब्रांड्स आपको ओके कर रहा है आप देन उसकी प्रोडक्ट सर्च करनी शुरू कर दें कि उसमें कोई प्रोडक्ट है आपके क्राइटेरिया से मीट करती हुई। जी मैम, क्योंकि जब से सोर्सिंग वाला जो प्रोसेस शुरू हुआ है तब से हम सब लोग जो ना वो ये अप्रूवल जो ईमेल करके अप्रूवल लेना है ब्रांड से डायरेक्टली, वो भूल गए हैं सब लोग नहीं मैम। वो एलएलसी की बस आपने बेटा डिटेल लेनी और मेल कर देनी है उन्हें एलएलसी पे, जैसे आपने मेल की थी ना आप लोगों ने वैसे तो ही। मैम वो तो मैम क्लाइंट मिलेगा तो हमें एलएलसी देगा, जब क्लाइंट ही नहीं मिलेगा हाँ तब हमने, जी बिल्कुल, क्लाइंट मिलेगा तो एलएलसी देगा, ये यही बात है मेरा मैम, मिल मतलब कुछ यही क्या पूछना चाह रहा था, ही राइट नहीं रहे मिल वर्ड रहे नहीं देंगे, मिल रहे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिल रहे, मिल जाएंगे, थे। मैम मिलते हैं इनको, मिले हुए हैं तो उनको प्रोडक्ट नहीं पसंद आते, उनको वो प्रोडक्ट नहीं उनमें रहा। से 100 वो कीड़े निकालते हैं, कभी कहते हैं ये बात है कभी कहते हैं वो बात है, बहुत अब कुछ नहीं भी हो नहीं है। जाएंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोई भी क्वेश्चन आप ग्रुप में कर लें, मुझे और सर को पर्सनली भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइम जब आपका दिल ओके करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक दो यू में मैम, याद थैंक रखें, यू इंशाल्लाह मैम, ट्यूसडे को आप लोगों की क्लास होगी 7 o'clock, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। आई लव यू मैम।